सर नमस्ते। नमस्ते। कुछ रिवाइज वाइज करा भाई घर पर? सोर्स स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर से पढ़ लिया था, वो जो आपने कहा था विदाउट एवरेज डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अब ये बताओ जरा कि जितना हम पढ़ चुके हैं अभी तक ऑप्टिक्स में, यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? क्यों भाई अमन? थ्योरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर ठीक नहीं है, सर। पर नहीं फिर अच्छी बात है भाई। तो फिर कल से कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन शुरू कर लेंगे। ओके सर। कल तुम्हारी क्लास ठीक टाइम पे होगी। तुम्हारी क्लास के बाद में कनेक्टिविटी खत्म होगी तो पता नहीं सब बंद हो गया था, व्हाट्सएप व्हाट्सएप कुछ अभी इमदाद है। हाँ सर, सोशल मीडिया का। चलो भैया एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म हम क्यों कर रहे हैं? चलो मैं, तुम ध्यान से देखते जरा एक बार पहले। जैसे भाई अगर ये प्रिज्म है ये तो तुम्हें पता ही है ना कि लाइट जो होती है वो मतलब अपने पाथ को के लिए इन्वर्टिबल होती है, कि अगर मान लो कोई इंसिडेंट रे है और कोई रिफ्रैक्टेड रे है, तो अगर हम उनको रिफ्रैक्टेड को इंसिडेंट कर दें तो जो इंसिडेंट है वो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। यस सर। हमारे एग्जाम चल रहे हैं कि हो गए? फिजिक्स चल रहे हैं सर अभी तो। का नहीं हुआ अभी? आज था सर। कैसा हो गया? कुछ सही गया सर, एक तो गलत हो गया। जो पढ़ाया उसमें से कुछ हेल्प मिली थोड़ी बहुत? नहीं, हाँ सर, मतलब आता ही था पूरा पेपर, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसे। तुम ये देखो भाई यहाँ पे कि हम जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट करते हैं तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट करने से क्या होता है कि ये डिस्पर्स वे में बाहर आती है ऐसे अलग अलग कलर्स में, ठीक है ना? यस सर। इस तरह से। तो अगर हम ये मल्टी कलर इस तरफ से इंसिडेंट कर दें राइट साइड से इधर को, तो जब बाहर आएगी तो क्या आएगी? व्हाइट लाइट आएगी। बाइक लाइट। हाँ एग्री हो ना इस बात से? हाँ। सर। सर जी तो सर। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं भाई, देखो एक बार ध्यान से सुनो पहले। कि हम यहाँ पे एक दूसरा प्रिज्म ले लें जो कि मतलब इसके रेस्पेक्ट में थोड़ा उल्टा रखा है ऐसे, तो तुम लोग ये देखो कि इस प्रिज्म के लिए ये जो लाइट पहले प्रिज्म से इमर्ज हो रही है तो ऐसा ही नहीं होगा जैसा कि हमने राइट साइड से डाल दी थी, बिल्कुल उसी तरह का केस। यस सर। हाँ उसके लिए इंसिडेंट। जी सर। हाँ तो अब ये जो ये वाली रेज है ये क्या करेंगे भाई, ये प्रिज्म इनको एक जगह इकट्ठी कर लेगा। व्हाइट बना देगा। तो यहाँ दो सिचुएशन अराइज होंगी देखो, कि एक तो जो डिस्पर्जन था वो खत्म हो जाए, समझ गए ना? यस सर। जी पहले सर। लाइट पहले भी व्हाइट लाइट थी अभी भी व्हाइट लाइट है, एग्री हो ना इस बात से? यस सर। यस सर।
हाँ, तो इसमें क्या हुआ कि डिस्पर्जन जो था वो खत्म हो गया। अब तुम एक बात सोचो जरा ध्यान से कि अगर हम बिल्कुल आइडेंटिकल प्रिज्म लेते हैं तो मुझे ये बता दो कि इस ग्लास स्लैब में और फिर दो आइडेंटिकल प्रिज्म को जोड़ के रखने में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस थोड़ा ही है। नो सर, कोई डिफरेंस नहीं। फिर तो वो पैरेलल साइड स्लैब वाला केस बन गया है। जी सर, डेविएट भी होगी। हाँ, पर अगर मान लो हम चाहते हैं कि भाई हम लोग प्रिज्म जो है वो सेम ना लें, मतलब सेम ना लें इन द सेंस कि या तो हम उनका मटेरियल अलग अलग रखें या फिर हम उनकी ज्योमेट्री अलग अलग रखें, कुछ इस तरह का सीन रखें कि हम एक एंगल ऑफ जैसे। प्रिज्म वगैरह। हाँ, तो मान लो हम आइडेंटिकल प्रिज्म ले लेते हैं, भाई ए एंगल है, ये भी ए एंगल है, पर इन दोनों के मटेरियल अलग अलग है। मटेरियल इन द सेंस कि ये क्राउन है, ये फ्लिंट है, ये मतलब अलग अलग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के मटेरियल हैं। दोनों ग्लास हैं, क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, पर दोनों का मटेरियल तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा शायद, हो सकता है नहीं पढ़ा, क्वार्ट्स पता ग्लास नहीं वगैरह सर। था उसमें, तो वन सॉलिड नहीं स्टेट। अरे वो जहां ग्लास वगैरह नहीं बनाते उससे मिट्टी से, नहीं सर, चलो कोई नहीं देख लेना बाद में पढ़ लेना। तो इसमें क्या होगा कि हम इसका पहला केस करेंगे कि देखो इसने इसके डिस्पर्जन को खत्म कर दिया, पर अगर तुमने याद हो तुम्हें कि तुमने ये पैरेलल साइड स्लैब में से जब लाइट इंसिडेंट करी थी ऐसी, तो भाई इसमें क्या था कि जो इंसिडेंट रे थी वो थोड़ी सी डिस्प्लेस तो हो गई थी इधर को, पर थी इसके पैरेलल। ऊपर हो गई थी थोड़ी सी। हाँ, वो अगर तुम्हें याद हो मैंने इस तरह का कुछ बनाया था कि ये इंसिडेंट रे थी, ये अगर यहाँ से निकल जाती ये ना होती तो फिर ये यहाँ पे आती है और फिर ये ऐसे निकल गई थी, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट नहीं यस कैलकुलेट करेगा। सर, हाँ, तो उस केस में ये इसके पैरेलल थी, पर इसमें क्या होगा चूंकि मटेरियल सेम नहीं है फिर भी हम डिस्पर्जन कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब इसके डिस्पर्जन को इसके डिस्पर्जन से खत्म कर रहे हैं, तो जो इमर्जिंग रे होगी वो पैरेलल नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन आ जाएगा। सही है, तो यस सर, इस केस का नाम होगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। कि मतलब डेविएशन तो है पर डिस्पर्जन नहीं है, एग्री हो ना इस बात से। तो इस यस केस में हम जी सर, थोड़ा सा थ्योरी लिख देंगे कि भाई हियर मेक डिस्पर्जन प्रोड्यूस बाय वन प्रिज्म इक्वल टू द डिस्पर्जन प्रोड्यूस बाय अदर प्रिज्म, बिकॉज टू प्रिज्म्स आर केप्ट रिवर्स, देयरफॉर डिस्पर्जन प्रोड्यूस बाय वन विल बी कैंसिल आउट डिस्पर्जन प्रोड्यूस बाय अदर। तो डिस्पर्जन क्या होता है कि कितने एंगल में साथ के साथ कलर्स एडजस्टेड हैं, तो वो था थीटा, क्राउन के लिए थीटा यस और सर, फ्लिंट के लिए थीटा सेम रख लो भाई। ये कंडीशन क्या होगी, फॉर नो डिस्पर्जन, ठीक है। यस सर, अब तुम्हें याद हो कि डेल्टा क्या था भाई, ये थीटा क्या था, थीटा था डेल्टा वायलेट किसके लिए, क्राउन के लिए, माइनस डेल्टा क्राउन फॉर डेड रेड। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर नहीं सर, ये नहीं सर, डेल्टा आर डेल्टा एफ फॉर रेड वॉयलेट माइनस डेल्टा फ्लिंट आर, ठीक है ना भाई, बोलो कोई डाउट है क्या। नहीं है। और अगर ये याद हो डेल्टा को हमने फिर म्यू के टर्म में लिखा था, तो यहाँ एंगल दोनों के हमने सेम लिए हैं तो थोड़ी छोटी टर्म आएगी, पर अगर एंगल भी तुम लोग अलग लेने की कोशिश करोगे तो फिर चीजें थोड़ी बड़ी हो जाएंगी।
इसलिए मैंने यहाँ मतलब प्रैक्टिकली एंगल दोनों को सेम ले लिया, तुम चाहो तो अलग लेके कर लेना भाई। तो ये हो जाएगा यहाँ पे म्यू क्राउन वायलेट माइनस म्यू क्राउन रेड इंटू ए इक्वल टू म्यू फ्लिंट वायलेट माइनस म्यू फ्लिंट रेड इंटू ए। अब तुम ये देखो कि अगर यहाँ पे मैं एंगल भी दोनों अलग अलग ले लेता तो फिर यहाँ पे क्या होता कि भाई ये एंगल जो थे ये यहाँ पे इलिमिनेट ना होते। से कैंसिल ना हो पाते। हाँ मतलब वो चाहो तो तुम ले सकते हो एंगल भी अलग, उसका कोई ऐसा रोल नहीं है सच। मतलब मैंने तो सिर्फ ये ले लिया कि अगर तुम चाह ही रहे हो बिल्कुल भाई इसको हम अलग अलग लें तो फिर यहाँ पे मैं बस क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ए डैश लिखूंगा और बस यहाँ पे फिर मैं ए डैश लिख दूंगा तो ये कटेंगे नहीं यहाँ पे। सही है ना। जी सर। अब तुम एक चीज देखो जरा कि अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो कि इस इक्वेशन से एक नेक्स्ट इक्वेशन मैं लिखता हूँ खुद ही थोड़ी मॉडिफाइड सी, म्यूसी वायलेट माइनस म्यूसी आर इंटू ए अपॉन, मैं यहाँ लिखता हूँ भाई डेल्टा क्राउन फॉर येलो और डेल्टा क्राउन फॉर येलो, ये म्यू एफ वी माइनस म्यू एफ आर इंटू ए डैश अपॉन डेल्टा फ्लिंट फॉर येलो और ये हो गया यहाँ पे डेल्टा फ्लिंट फॉर येलो। ये मैंने क्यों करा है? मतलब जी मैं इसको जिससे कि डिस्पर्सिव पावर की टर्म में एक्सप्रेस कर सकूं, ठीक है ना भाई। सर। ये जो ये वाली टर्म कभी कभी चीजें ना मतलब पूछी जाती है इस तरह से, तो ये इक्वेशन हो जाएगी सीधी सीधी डेल्टा सी वाई इंटू ओमेगा क्राउन इक्वल टू डेल्टा फ्लिंट वाई इंटू ओमेगा फ्लिंट। बोलो ये बात समझ नहीं आई कभी? जी सर आगे। तो इस कंडीशन को अगर हम फुलफिल करेंगे तो तुम्हें लाइट जो मिलेगी वो मतलब बाहर आती हुई मिलेगी विदाउट डिस्पर्जन, दो प्रिज्म को अगर हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि एक के डिस्पर्सिव पावर और उसके मीन कलर डेविएशन को दूसरे के डिस्पर्सिव पावर और उसके मीन कलर डेविएशन से इक्वेट कर दें अगर हम, तो नेट डेविएशन प्रोड्यूस बाय द प्रिज्म जीरो होगा ना, नेट डिस्पर्जन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म जीरो होगा पर डेविएशन कुछ बचेगा। मैंने बताया दोनों पैरेलल नहीं है भाई। हल्का हाँ कुछ भी है मतलब हल्का ज्यादा जो भी है हियर इंसिडेंट रे एंड इंसिडेंट रे एंड इमर्जिंग रे आर नॉट पैरेलल। ऑप्टिक्स में एक बहुत अच्छी थ्योरी की बुक आती है, जब इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो अगर तुम्हें चाहिए तो कहीं ढूंढ लेना भाई, बाल सुब्रमण्यम की है। खाली ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की है वो अपने आप में बहुत अच्छी बुक। सर, अगर हम ये प्रिज्म जो है 90 डिग्री वाला लेते तब ये पैरेलल आती। अगर पैरेलल कैसे मतलब भाई? हम 90 डिग्री वाले प्रिज्म देते दो तो तो ये वो तो फिर दोनों उसमें तो फिर रिफ्रैक्शन का तो कोई केस ही ना बनता ना भाई, वो तो स्लैब हो जाती है एक तरह की, पर उस स्लैब में भी ठीक है बाउंड्रीज पे सर। एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होने से वहां भी पैरेलल ना आती। जब ओके ये सर। तो तुम्हें पता चल रहा है ना कि रे जो इंसिडेंट है और जो इमर्जिंग है उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन बचा है, यस सर। यस सर। हाँ मतलब डिस्पर्जन ही तो खत्म हुआ है, डेविएशन कोई खत्म हुआ है। सर, वही केस पढ़ रहे हैं। हाँ तो रिमेनिंग डेविएशन जो होगा वो कितना होगा भाई? ये हो जाएगा डेल्टा। अब डेविएशन हम देखेंगे तो
इंसिडेंट रे और वाइट रे जो इमर्जिंग रे, उसके लिए हम मीन कलर कौन सा लेंगे? येलो माइनस उसी, चूंकि म्यू तो किसी के रेस्पेक्ट में तो लेना ही पड़ेगा ना, यस सर, म्यू क्राउन येलो और म्यू फ्लिंट येलो, इसमें से तुम एक के डेविएशन में से दूसरे के डेविएशन को माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा भाई, जो रिमेनिंग डेविएशन है वो बचेगा। ठीक है, चाहो तो फिर यस सर, फर्दर इसकी जो वैल्यूज है, ये वाली जो पीछे डेल्टा वेल्टा की लिखी थी वो लिख ले, आगे तो ना लिखाओ ना इसे। बोलते हैं हेलो, अरे आवाज चली गई क्या? नो सर, अब दूसरा केस है इसका भाई, कि उसमें हम क्या करेंगे कि जो इमर्जिंग रे है, एक मिनट जरा मैं पहले प्रिज्म बना लेता हूँ, तो ये म्यू क्राउन है, ये म्यू यहाँ पे है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, समझ पा रहे हो ना? यहाँ हम करेंगे क्या? हेलो, यस सर, मतलब यहाँ पे ना थोड़ा सा फोकस करो, मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें अभी देखो। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई डिस्पर्जन तो भले ही पॉसिबल है पर डेविएशन नहीं होना चाहिए। अब तुम बाहर ये देखो कि बाहर जो आएंगी वो तो मल्टी कलर लाइट आएंगी, आएंगे सर, और डिस्पर्स हाँ डिस्पर्स, चूंकि डिस्पर्जन अलाउड है, और हम कह रहे हैं कि भाई डेविएशन होना नहीं चाहिए। तो अब ये है ना कि जो इमर्जिंग रे है वो पैरेलल होनी चाहिए इंसिडेंट रे के। बोलो, होगा जी तो फिर ये तो सारी की सारी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भाई पैरेलल कैसे होनी चाहिए? पैरेलल एक कलर की लाइट हो जानी चाहिए, कौन सी? सर, येलो। येलो वाली, येलो की हाँ, वाली। क्योंकि वो व्हाइट लाइट के इक्विवेलेंट होती है, यस सर, समझ गए ना सारी बात? एवरेज वाली ले जी रहे हैं सर, मतलब। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ये होगा, ये ये है येलो लाइट पैरेलल टू इंसिडेंट व्हाइट लाइट। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? सर, ठीक है, नो सर, आज सिद्धांत नहीं आया ऐसा अच्छा।
और ये आर्यन भी नहीं, वो भी नहीं आया, क्या नाम है इसका, अक्षरित सब आए सर आज। अच्छा आजकल ये पेज नहीं पलट हुआ रहा है सर, एक मिनट रुक जाओ, पिछले पेज पे चला, सीरियस हो गया क्या लड़का। चलो भाई यहाँ पे देखो क्या चीज है, विदाउट डेविएशन, तो यानी के डेविएशन एक प्रिज्म ने जितना प्रोड्यूस करा दूसरे ने उतना ही दूसरे डायरेक्शन में कर दिया, समझ रहे हो ना। यस सर। तो इससे क्या एडवांटेज हुआ, इससे ही एडवांटेज हुआ भाई कि डिस्पर्जन तो हो गया पर डेविएशन नहीं होगा, तो यहां लिखेंगे कि हियर डेविएशन प्रोड्यूस बाय वन प्रिज्म मेक्स एक मेक the deviation produced by other prism. Two prisms are kept reversed, therefore incident white light and emerging equivalent yellow light will be parallel to each. तो मैं यहां क्या लिखूं, डेल्टा क्राउन येलो इक्वल टू डेल्टा फ्लिंट येलो, बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ये कंडीशन है फॉर नो डेविएशन। अब डेल्टा सी क्या है, म्यू सी येलो माइनस वन इंटू ए इक्वल टू न्यू फ्लिंट येलो माइनस वन इंटू ए डैश, ये भाई एंगल है ए और ये वाला एंगल है ए डैश, समझ आ गई थी बात? जी सर। ये अच्छा अब क्या चीज परमिटेड है यहाँ, डिस्पर्जन। तो अगर कोई पूछे कि रिमेनिंग डिस्पर्जन, तो भाई रिमेनिंग डिस्पर्जन जो होगा ये कितना होगा, जितना एक ने प्रोड्यूस किया माइनस जितना दूसरे ने प्रोड्यूस किया, बोलो। हेलो, अरे आवाज चली गई क्या भाई? आ रही है सर। आ रही है तो ठीक है, फिर अब मैं इसमें क्या करूं, ये जो ये वाली वैल्यू है तो मैं ये डायरेक्ट ही यहां से उठा के वहां रख दूंगा, ये जो ये वाली है। यस सर। तो ये है डेल्टा येलो ओमेगा सी, म्यू था क्या, डेल्टा सी येलो इंटू, यही तो था शायद, ये जी सर, ये भाई रिमेनिंग डिस्पर्जन, ये मैंने जो पीछे कैलकुलेट करी थी इक्वालिटी की कंडीशन सीधा वहां से वैल्यू उठा के यहाँ रख ली, तुम चाहो तो डिटेल में अपने कॉपी में लिख ले, समझ आ गया सबको? यस सर। अब देखो यहां पे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम तुमने इसके तो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल ट्राई भी करें नहीं करें? सर अभी स्टार्टिंग के चार पांच करते बस अभी टाइम नहीं मिलता हुए नहीं हुए
तो बेसिक वाले थे, कॉनकेव मिरर जो है। कोई ये हो गया भाई रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर में कॉन्वेक्स कॉनकेव का केस हो गया, फिर रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर प्लेन सरफेस, ये हो गया। इसमें तुम्हारा हो गया एपरेंट एपरेंट हाइट, फिर उसके बाद कोन ऑफ व्यू हो गया, फिर इसमें रिवर बेड के ऊपर शेडो फॉर्मेशन हो गया, और इसमें प्रिज्म हो गया तुम्हारा, फिर इसमें डिस्पर्जन हो गया, ये सारी चीजें निबड़ गई। इसमें अगर तुम चाहो तो वो मिराज वगैरह के केस देख लेना, मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे देता हूँ, हालांकि वो तो तुम्हें आता भी होगा। जैसे कि ये यहाँ पर ट्री है, नॉर्मली वो डेजर्टेड एरिया में ज्यादा होता है ना, तुम्हें सड़क वड़क कोई गर्मी के टाइम पे देखा हो, तो इसमें क्या होता है कि जो नीचे की जो ये ग्राउंड के कांटेक्ट में जो एयर होती है ये थोड़ी सी डेंसिटी थोड़ी हल्की होती है, गर्म रहती है ना, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ मीडियम जो है ऊपर की तरफ डेंसर होता जाता है, ऐसा ही तो है भाई। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि जैसे लाइट यहाँ पहुंची इस पेड़ से, तो उससे क्या हुआ कि ये डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है। यस सर। तो भाई ये अवे फ्रॉम द, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी ना थोड़ी सी, ऐसे इसके कंपैरेटिवली ये दूर हो जाएगा। बोलो। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या हो जाएगा, बड़ा। हाँ, तो फिर ये नीचे वाली और लेयर पे जाएगा तो वहां और बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस से जाएगी, फिर ये ऐसे। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता रहेगा, और एक इंसिडेंट वो आएगी कि इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, चूंकि जहां हम डेंसर टू रेयर रहे हैं, ये ग्रेटर देन हो जाएगा थीटा सी से। तो भाई फिर ये रे जो है ये टोटली रिफ्लेक्ट होने लगेगी ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस आदमी की जब आंखों पे पहुंचेगी तो इसे ऐसा लगेगा कि ये रे ऐसे, तो चूंकि डेविएशन तो दिखता नहीं, वो पीछे से यहां से आ रही है, तो फिर ये जो ये ट्री है ये उसको ऐसे दिखाई देता है उल्टा, तो उसको यहाँ फीलिंग आती है कि जैसे यहाँ पानी है, रोड पे इमेज सी बनने लगती है। हाँ, वो इसी तरह का सीन है भाई, ये मिराज वगैरह का केस तुम चाहो तो अलग पड़ा होगा तुम्हें। यस सर, पास जाते हैं तो फिर वो गायब हो जाता है। यस सर, पढ़ा है। वो इसीलिए ना भाई, देखो ये एंगल जो होगा जैसे जैसे पास जाएंगे तो क्रिटिकल एंगल छोटा होने लगेगा, तो वो तुम्हें TIR दिखना बंद हो जाएगा। मतलब इसमें बेसिक किस्सा यही है कि जैसे इस सरफेस के ऊपर तुमने लाइट इंसिडेंट करी ऐसे, ये डेंसर मीडियम है रेयर, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा इस दूसरी लेयर के लिए, ये पहली लेयर है ये दूसरी लेयर है, फिर यहां से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो और बड़ा होगा, तो तीसरी लेयर के लिए फिर ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरह से तो ऊपर से नीचे आते जाए टाइम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते बढ़ते जब TIR की कंडीशन फुलफिल करने लगेगा तो ये रिफ्लेक्ट होके इसी मीडियम में आदमी के पास पहुंचने लगेगा, और उसे लगेगा कि ये लाइट यहाँ पीछे से आ रही है, तो उसे इस पेड़ की इमेज जो होगी उल्टी दिखाई देगी, तो हमें पानी वगैरह की फीलिंग इसीलिए तो आती है क्योंकि हमें वहां इमेज दिखाई देने लगती है सराउंडिंग की चीजों की। जी सर, बस और तो कुछ खास इसमें है नहीं। अब दो केस है भाई तुम्हारे पास में, जरा सुन लो एक मिनट। देखो, या तो हम जो कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन, ये लेंसेज वगैरह का पार्ट है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव बाई कॉनकेव, इस तरह से। तो तुम ये देखो कि एक्चुअल में 12th का सिलेबस जो शुरू होता है वो यहां से होता है, ये जितना मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया ये कोई पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है बेसिकली। स्कूल में पढ़ाया है अभी तो एग्जाम के बाद,
हाँ मतलब ये जितना मैं तुम्हें पढ़ा चुका, इसे ना तो कोचिंग वाले पढ़ाने में इंटरेस्टेड है, ना इसे पढ़ाने में इंटरेस्टेड है स्कूल। स्कूल तो नहीं पढ़ाएगा। हाँ वो इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मतलब हमारा तो सिलेबस ही यहाँ से शुरू हो रहा है। अब जब सिलेबस यहाँ से शुरू हो रहा है तो भाई ये बीच का सिलेबस कहाँ गया, या टेंथ के सिलेबस में भी नहीं है। पर मेरे टाइम जो टेंथ का सिलेबस था और नाइन्थ का सिलेबस, उसमें सारा सिलेबस था। तो अब तुम ये देखो कि ट्वेल्थ में बच्चे इनकम्प्लीट ऑप्टिक्स की नॉलेज के साथ एंट्री कर रहे हैं और बीच का ही सारा का सारा तामझाम गायब रहता है, और यहाँ लेंस में फिर वो आकर मारते रहते हैं, समझ नहीं आता चली क्या रहा है। हाँ तो भाई देखो सारे लॉज यहाँ पे भी वही लगेंगे लेंसेज में भी जो प्लेन सरफेस के लिए लगे हैं। फिर अब हम दो चीजें हैं हमारे पास में कि या तो हम एच सी वर्मा से पहले इनकी न्यूमेरिकल खत्म कर लें जो जितना हमने पढ़ा है, या फिर तुम अगर कहो तो मैं तुम्हें पहले लेंसेज करा दूंगा फिर सारे चैप्टर को इकट्ठा ही कर। चॉइस तुम्हारी है जैसा तुम कहो बोलो। मैं तो अभी 3-4 दिन बाद एग्जाम्स से नहीं, मैं तो तुम्हारे से पूछ रहा हूँ कि तुम क्या चाहते हो, बस ये बता दो कि मतलब मैं इसे आगे कंटिन्यू कराता रहूं तो तुम लोग एग्जाम वगैरह से निबट लोगे तब तक, तो प्रॉब्लम फिर उसके बाद कर लेना। और अगर मान लो तुम चाहते हो कि पहले, चूंकि टाइम तो तुम्हारे पास जाए, प्रॉब्लम करोगे वहां से। चलो फिर मैं जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसको खत्म करा देता हूँ, फिर उसके बाद उसके डाउट्स ले लेंगे। ठीक है सर। यस सर। कल तुम एक काम कर लेना भाई, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम निकले तो थोड़ा सा कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन, मतलब लेंसेज नहीं सिंगल कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन थोड़ा सा पढ़ के आ जाना, क्योंकि एक कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे तो फिर लेंस में ऐसी दो कर्व्ड सरफेस हो जाएंगी, तो उसी का कॉम्बिनेशन यूज कर लें। हाँ भाई बताओ। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। व्हाट्सएप करा है भाई? व्हाट्सएप तो मेरे पास आया भी नहीं। बल्ब सीजेस टू ग्लो इंटेंसिटी तो पावर कंजम्पशन रिलेटेड हो जाएगी भाई ये कॉयल एंड बल्ब। तो अब इसमें ये देखो तुम कि अगर कॉयल के अंदर इंसर्ट कर रहे हो तुम क्या सॉफ्ट आयरन कोर, तो इससे बेसिकली होगा क्या, इससे इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है वो बढ़ जाएगी। हाँ सर। और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ एल आई स्क्वायर। Yes, sir. तो हम ये कहेंगे कि क्या आई बढ़ जाएगा या? और अगर आई बढ़ जाएगा तो वाटर जो बल्ब है उसमें कंजम्पशन जो वाट है भाई वो भी बढ़ जाएगी, तो पर सेकंड वो ज्यादा वाट बर्न कर रहा होगा तो इंक्रीज हो जाएगी। क्या दिया है इसमें? अलग अलग आंसर आ रहे हैं इसके। अब ये मैं कह सकता देखो मेरे हिसाब से तो यही है, फिर अगर कुछ और होगा तो चेक करें। सर एक बैक ईएमएफ नहीं आएगा इसमें? नहीं डीसी है ना भाई ये, तो इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि इसमें ये कॉयल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और एनर्जी डेंसिटी को तुम देखो वो होती है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ यूनिट वॉल्यूम में चूंकि बी बढ़ रहा है तो यूनिट ये आ रहे हिस्टेरेसिस वगैरह का चैप्टर अभी तुम्हारा थोड़ा सा पेंडिंग है, जब मैं उसे पढ़ाऊंगा तो थोड़ा आसानी से समझ लोगे। ठीक है सर। वो मैग्नेटिक मैंने एक चैप्टर छोड़ रखा है ना उसमें वो इसमें ही आता है कि जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना तो उसमें ये ऐसा होता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ये अट्रैक्ट कर लेता है मतलब। हाँ तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बढ़ने से भाई हाफ एल आई स्क्वायर बढ़ जाएगा तो आई बढ़ेगी। ठीक है सर। ये साल के जेई में सर आईएएस बुक में क्वेश्चन था काय में सर आईएएस बुक में क्वेश्चन था। अच्छा कोई नहीं चलो क्या आंसर दे रखा उसने उसमें सर उस
का आंसर तो ही लिखा था पीछे, पर मैंने जब गूगल किया था तो लगता है पता नहीं भाई देखो क्या है, अब मल्टीपल सोर्सेज है कोई कहीं से कुछ देखता है। चलो तुम कल कर्व सरफेस से तुम एक काम करना, कर्व सरफेस से एक बार रिफ्रैक्शन पढ़ के आई ठीक है। ओके सर। यस सर।